नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य की यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट ट्रेडिंग चाणक्य डॉट कॉम पे। दोस्तों, एक कमाल के एक टूल के बारे में बात करेंगे आज, और अमेजिंग टूल है। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी फिबोनाची चैनल के लिए, लेकिन चैनल से पहले मैं चाहता हूँ कि आप आर्क को समझ लीजिए। आर्क आप अगर समझ जाते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और बेसिकली अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो गया है, क्योंकि अब तक जो हम बात कर रहे थे, हम बेसिक बेसिक इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे, बहुत ही सिंपल सिंपल इंडिकेटर्स हमने देखे, और अब हम जो आगे बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, अब थोड़े से एडवांस लेवल के ऊपर बात करेंगे कि अच्छे टूल्स जो है, ऐसे टूल्स जो पहले वाले से थोड़ा सा बेटर है, यानी अपग्रेडेड मॉडल्स मान लीजिए, अपग्रेडेड टूल्स मान लीजिए, लेकिन जो भी होगा वो अपग्रेडेड होगा, और मैं कोशिश ये करूँगा कि पहले से बेहतर एक्यूरेसी आपको मिले, पहले से आसान हो जज करना, और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाए ताकि जजमेंट और एक्यूरेसी दोनों बेटर हो जाए आपकी। चलिए फिबोनाची आर्क के बारे में दोस्तों समझते हैं कि फिबोनाची आर्क क्या है। बेसिकली दोस्तों, आर्क का मतलब होता है एक तरीके से अर्धगोला, यानी आधी आकृति बन जाना, जैसे कि धनुष की होती है, इसको धनुष भी कहा जाता है। धनुष आपने देखा ना कि किस तरीके से नीचे एक बैंड होता है, एक जगह से बैंड होता है, तो फिबोनाची के अंदर भी ये इसी तरीके से बैंड होगा। दूसरा, मैं सबसे पहले बोलना ये चाहता हूँ, जो मैं भूल गया हूँ बताना आपको, कि जो लोग फिबोनाची को नहीं जानते, अच्छी तरीके से नहीं जानते, बिल्कुल बिगिनर्स है, तो एक बार फिबोनाची को आप देख लीजिए, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। फिबोनाची आप समझेंगे तो आर्क आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू ज़रूर दूंगा मैं, फिबोनाची होता क्या है, और आपको थोड़ा सा आपको हिंट ज़रूर आएगा। तो फिबोनाची दोस्तों ये कहता है कि संसार के अंदर कोई भी चीज़ है वो एक फिबोनाची नंबर से बनी है, कोई भी चीज़ है, एनीथिंग एल्स कोई भी चीज़ है। कि अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट हमारा बढ़ता है तो हमारा मार्केट एक पॉइंट पे आकर रुक के दोबारा बढ़ता है, लेकिन वो पॉइंट कौन कौन से है। फिबोनाची कहता है कि अगर मार्केट बढ़ता है तो वो या तो 38 पॉइंट, ये हमारे हैं 38.2% नीचे गिरेगा और उसके बाद दोबारा ऊपर बढ़ेगा, नहीं तो 50% गिरेगा, नहीं तो 61.8% गिरेगा, और अगर ये तीनों लेवल्स का अगर सम्मान नहीं करता है तो आप समझ जाइए कि ट्रेंड अब रिवर्सल हो गया है, ट्रेंड रिवर्स हो गया है। तो सीधा फिबोनाची ये कहता है, मैंने बहुत ही सिंपल बताया, मैं ज़्यादा डीपली नहीं गया हूँ, ज़्यादा डीपली अगर देखना है तो फिबोनाची वाली वीडियो को देख लीजिए। अब आर्क के अंदर क्या है दोस्तों, आर्क के अंदर अभी हमने बात करी, ये जो आकृति दिखाई देती है ये बिल्कुल धनुष की तरह दिखाई देती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे। अब ये जो पिक्चर है इसके अंदर क्लियर दिखाया गया है कि इसमें कुछ आधे गोले हैं जो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और उनमें कुछ परसेंटेज लिखी है। अभी किस हिसाब से काम करता है और क्या करता है उसको जरा समझेंगे चार्टिंग टूल के अंदर, तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलिए चार्टिंग टूल में जाने से पहले पहले लगाना सीख लेते हैं कि भाई लगाना कहाँ पर है। तो कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, जैसे कि NLC इंडिया ही ले लेते हैं, इस पर चेक कर लेते हैं कि भैया क्या है, कैसे दिखेगा। और इसमें टूल लगा हुआ है पहले से, मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको। आपको क्या करना है, अगर जेरोधा का अकाउंट है तो जेरोधा में, तो बता देता हूँ आपको कि स्टडीज़ में आप जाएंगे, ऊपर स्टडीज़ का ऑप्शन है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, स्टडीज़ में नहीं जाना है, आपको एक टूल दिखेगा ये पेंसिल जैसा सिंबल है, आप इस पर क्लिक करिए, लेफ्ट हैंड साइड पे एक विंडो ओपन होगी जिसको कहेंगे सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल का एक यहाँ पर खुला है ब्रैकेट, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके नीचे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे इस टूल के, फिबोनाची आर्क आपको क्लिक करना है, और ये इसके कलर ऑप्शन है, लगाना चाहे लगा सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको डार्क करूंगा ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, राइट। अब ये दोस्तों सेलेक्ट हो गया टूल, अब इसको लगाने के लिए करना क्या होता है, अगर आप बढ़ते हुए ट्रेंड में देख रहे हो उसको, यानी ट्रेंड अगर बढ़ रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप नीचे से लेकर ऊपर तक खींचेंगे। अगर आप डाउन ट्रेंड के अंदर इसको लगा रहे हैं तो आप ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे, यानी मार्केट जहां से बढ़ा है वहां से आपको लगाना है, यानी नीचे से ऊपर जा गया है तो नीचे से ऊपर आपको खींचना है, अगर ऊपर से नीचे गया है तो ऊपर से नीचे की तरफ खींचना है। अब यहां पर हम देख रहे हैं, आपको कभी भी इस टूल को लगाना है तो आपको एक लो पॉइंट और एक हाई पॉइंट चाहिए होता है, हमेशा ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी। अब हमें लो पॉइंट तो ये मिल गया भाई, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी और कहाँ तक ऊपर गई है, अप्रोक्स यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी मतलब बराबर ही है। चलिए हम यहाँ लगा लेते हैं, हाई पे आपको खींचना है, और हम थोड़ा सा हाई ये वाला ले रहे हैं, थोड़ा सा वीक है लेकिन चल जाएगा। अब ज़रा देखिए, जब ये दोस्तों धनुष जैसी आकृति बन गई है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा,
कि किस हिसाब से ये काम करता है। ये बेसिकली ये एक बढ़ते हुए ट्रेंड के अंदर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे देता है इन लेवल्स के हिसाब से। अगर मार्केट यहाँ से बढ़ रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेगा, अगर इसको तोड़ देता है तो ऊपर रेजिस्टेंस लेगा, उसको भी तोड़ देता है ऊपर रेजिस्टेंस लेगा। ये सारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं और ये आपके सारे सपोर्ट पॉइंट्स हैं। लेकिन ये काम किस बेसिस पे कर रहे हैं, फिबोनाची पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका जो ट्रेंड यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर आगे इसने हाई बनाया तो 50% पे एग्जैक्ट आकर ही रुका है। हद से अगर अगर ये जा सकता है, जितनी ज़्यादा अगर इसकी पॉसिबिलिटी नीचे जाने की, तो ये 61.8% पे जाएगा, उसके बाद ये वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो उसका डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसका सम्मान नहीं करता है लास्ट 61.8% का, तो आप कह सकते हैं कि जो इसका ट्रेंड था वो टूट गया है। लेकिन इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ हो रही है कि जब भी मार्केट ज़्यादा देर तक यहाँ रुकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रुक रहा है और यहाँ पर रुकने के बाद मान लेते हैं यहाँ तक चले जाता है, यहाँ तक जाने का मतलब ये है कि जितना टाइम यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाएगा मार्केट ऊपर की तरफ, तो आप समझ जाइए कि उसके सपोर्ट लेवल है वो ऊपर होते चले जाएंगे। अगर नॉर्मली आप फिबोनाची लगाएंगे तो उसके अंदर ऐसे लेवल्स आपको नहीं मिलेंगे। ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग, छोटे छोटे ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी फिबोनाची देता है। चलिए क्लियर करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी मुझे पता है, किस तरीके से ज़रा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर और यहाँ आपको क्लियर होगा ये चीज़। जैसे कि हम एक फिबोनाची की, जैसे हमने ब्रैकेट देखे थे, हम ब्रैकेट बनाते हैं, मान लेते हैं आपका जो ब्रैकेट है ये 38.2% वाला ब्रैकेट है, ठीक है, बाकी रहने दीजिए नीचे वाले, और इसी के अंदर देखते हैं। मान लेते हैं आपका जो एक ट्रेंड है वो यहाँ से बनता हुआ आ रहा है और यहाँ से बनता हुआ तोड़ता हुआ यहाँ पर आके कहीं रुक गया है, तो आप कह सकते हैं कि भाई जो ट्रेंड बढ़ा था वो 38.2 फिबोनाची का सम्मान करके वापस ऊपर जाने की तैयारी में, और वो जा भी रहा है। अब वो यहाँ से ऊपर जा करके फिर यहाँ पर आकर के किसी सपोर्ट ले लेता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान क्या देना है आपको, कि आपका जो बड़ा ट्रेंड है वो तो फिबोनाची ने बता दिया, वो तो क्लियर दिख भी रहा है कि भाई 38.2% गिरा, वापिस ऊपर बढ़ गया। लेकिन ये जो नीचे का ये जो छोटा सा ट्रेंड बना है भाई, इसमें भी तो फिबोनाची काम कर रहा है, यहाँ से भी तो उठ करके ऊपर गया है वो, तो ये जो फिबोनाची यहाँ काम कर रहा है और यहाँ पर आके रुक गया है, तो ये भी एक फिबोनाची है, ये भी एक फिबोनाची के रीजन से ही जितना गिरा है ये उतने ही लेवल पे गिरा है, और यहाँ से फिर ये दोबारा बढ़ने की कोशिश करेगा। यानी बड़े ट्रेंड के साथ जो छोटे छोटे ट्रेंड में फिबोनाची काम करता है, वो सारी चीज़ आपको एक धनुष जो बना है, आर्क जो बना है, उसके अंदर दिखाई देगी। सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है। ज़्यादा कन्फ्यूज़न अगर ना हो तो सीधा इसको इस तरीके से समझिए, ज़्यादा कन्फ्यूज़ अगर नहीं क्रिएट करनी है आपको, कि भैया अगर इस लाइन पर आएगा तो रेजिस्टेंस लेगा और इस लाइन से नीचे आएगा तो ये सपोर्ट बन जाएंगे। यानी जैसे जैसे इसको तोड़ता जाएगा ये सारे रेजिस्टेंस टूट गए हैं, और जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ये सारे सपोर्ट लेवल होंगे। यानी आपका जो गोल्डन लेवल है बाइंग का, अगर आप पॉजिटिव आपने अगर लगाया है इसको, तो पॉजिटिव लेवल में आपके जो गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो ये है। यानी पहला आप यहाँ खरीदिए, फिर आप थोड़ा सा नीचे आ गया 50% पे तो यहाँ खरीद सकते हैं, या 61.8 लेवल पर खरीद सकते हैं। उससे नीचे जाता है तो आप स्टॉक से बाहर हो जाइए, आप उसको वेट कर सकते हैं। आप चाहे तो एवरेज आउट भी कर सकते हैं, और आपकी अपनी मेंटेलिटी, अगर एवरेज आउट आप नहीं करना चाहते तो स्टॉप लॉसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी कर लीजिए। एवरेज आउट कैसे, कि पहले यहाँ खरीदा, यहाँ से ऊपर चला गया तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर नहीं गया किसी रीजन से तो आप नीचे आ गया, तो आप यहाँ खरीद सकते हो, फिर यहाँ खरीद सकते हैं। इसके बाद नीचे जाना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी स्टॉक के लिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कोई पॉइंट चल रहा हो स्टॉक का, या कोई फाइनेंशियली रिपोर्ट ही बहुत ख़राब चल रही हो, कोई घोटाला हो गया हो, तो ही जाएगा। अदरवाइज ये मोस्ट ऑफ टाइम ही सम्मान करता है इसका, और शॉर्ट टर्म में अगर आप काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके चलिए, और अगर आप फिबोनाची नॉर्मल वाला लगाते हैं तो वो आपको एक पॉइंट बता देगा, 38% भाई इतना है, लेकिन ये आपको क्या बता रहा है, ये आपके जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो उसको ऊपर उठा भी रहा है और रेजिस्टेंस लेवल को भी नीचे गिरा रहा है। तो इस हिसाब से ये पूरा कॉन्सेप्ट आगे का, यानी फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्ट करता है, प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो फ्यूचर के हैं, जो आने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो आपको प्रेडिक्ट करता है। तो ये प्रेडिक्शन बहुत काम आती है आपकी ट्रेडिंग के अंदर। दूसरा दोस्तों, आपका एक सवाल ये उठेगा कि चलिए शॉर्ट टर्म के अंदर तो हमने देख लिया कि किस तरीके से काम कर रहा है,
अब इंट्राडे की बात आती है, तो इंट्राडे के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो इसी के ऊपर आएगी कि इंट्राडे के अंदर आप इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और एक दो कन्फर्मेशन मैं आपको बताऊंगा जो ब्रेकआउट की होगी, अगर वो दोनों आप फॉलो करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपका ट्रेड सही जाएगा, स्टॉक सही दिशा में जाएगा और तेजी से भी जाएगा। तो ये दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा कंफ्यूज मैं नहीं करना चाहता क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, ये आप सीधा आप इसको समझिए कि आपको इसको लगाना कैसे है, लगाने के लिए क्या करना है। लगाने के लिए सिंपली आपको एक नीचे का लेवल लेना है, मान लेते हैं आप ऊपर की तरफ लगाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिए और जहाँ पर हाई बनाया है हाई पर जा करके छोड़ दीजिए, दैट्स क्लिक कर दीजिए, छूट गया। और मान लेते हैं आप नीचे का ट्रेंड देखना चाहते हैं तो नीचे के ट्रेंड के लिए आपको ऊपर से क्लिक करना है और नीचे जा करके छोड़ देना है, दैट्स इट। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह अगर आपको यूज़ करना है जो फ्यूचर में बढ़ते और गिरते रहते हैं। तो यह था दोस्तों आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट, पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा और इंट्राडे वाली वीडियो का इंतजार करिए, जल्द ही आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।